साथियों नमस्कार। साथियों आज के एपिसोड में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो 40 लोकसभा सांसद हैं वे किस कोटि से आते हैं। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है और इसके बाद से बिहार समेत पूरे देश में जो है आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की काफी चर्चा हो रही है। हर तबके से मांग हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में यह देखने की हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार में जो वर्तमान में 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 सांसद हैं तो वे किस कोटि के हैं, और अभी 2022 जाति आधारित गणना सर्वे की रिपोर्ट के बाद जो आंकड़े आए हैं आबादी के उसके हिसाब से क्या प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और कितने हैं, इन सारी बातों को आज के इस एपिसोड में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि जो पहली कोटि है वो है समान वर्ग की। तो समान वर्ग में जो आबादी है बिहार की वह 15.5% है और समान वर्ग से जो सांसदों की संख्या है वो 15 है। और यह जो समान कोटि के जो सांसद हैं 15, ये अलग अलग जो जाति समूह है उससे आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सांसद हैं बक्सर, दरभंगा, महाराजगंज, सिवान, आरा, पूर्वी चंपारण, सारण, औरंगाबाद, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, ये सारे के सारे जो हैं जनरल कैटेगरी के सांसद हैं। जो सांसद हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। सांसद किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के मतदाताओं ने इन्हें वोट किया है, वोट सभी वर्गों के मतदाताओं ने किया है। लेकिन यदि आप कैटेगरी वाइज ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे जब जाति आधारित सर्वे हुआ है तो निश्चित तौर पर जितनी आबादी है वे पांच समूहों में बटे हुए उनको उनके आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं पांच समूहों में। तो वे किस जाति समूह से हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जनरल कैटेगरी में ये जो है अश्विनी कुमार चौबे और गोपाल जी ठाकुर, ये ब्राह्मण समुदाय से हैं। इसके बाद सात सांसद हैं जो राजपूत जाति से आते हैं जनरल कैटेगरी में, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, कविता सिंह, राजकुमार सिंह, आर के सिंह, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, सुशील कुमार सिंह और बीना देवी। और फिर भूमिहार जाति से तीन सांसद आते हैं, राजीव रंजन सिंह, गिरिराज सिंह और चंदन सिंह। कास्ट जाति से एक सांसद हैं, रविशंकर प्रसाद। और जनरल कैटेगरी के ही दो सांसद हैं मुस्लिम समुदाय से, और वे दोनों शेख जाति से आते हैं। इस तरह से कुल जो है 15 जो सांसद हैं वे आते हैं जनरल कैटेगरी से। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वह बीसी की है। तो बीसी से कितने सांसद हैं इसको देखते हैं। तो बीसी से ये रहा आपके सामने बीसी और ईबीसी का। तो बीसी ईबीसी की जो आबादी है वह बिहार में 63% है और सांसदों की संख्या आप देखिए तो बीसी से 12 सांसद हैं और सात सांसद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सात हैं ईबीसी से, 12 हैं बीसी से और सात हैं ईबीसी से। इसमें भी 12 में जो जातीय आप वर्गीकरण कीजिएगा तो पांच सांसद हैं यादव समुदाय से जिसकी आबादी बिहार में ओवरऑल सभी जातियों में सबसे अधिक है। इसके बाद आता है कुशवाहा जाति से तीन सांसद हैं, ये पूर्णिया, काराकाट, वाल्मीकि नगर। और जो यादव जाति जो सांसद यादव जाति से बिलोंग कर रहे हैं वे हैं मधुबनी से, मधेपुरा से, बांका से, उजियारपुर से और पाटलिपुत्र से। अशोक कुमार यादव, दिनेश चंद्र यादव, गिरिधारी यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, ये जो हैं यादव जाति से बिलोंग करते हैं। इसके बाद तीन जो सांसद हैं कुशवाहा जाति से हैं, संतोष कुमार पूर्णिया से, महाबली सिंह काराकट से और वाल्मीकि नगर से हैं, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार। इसके बाद आते हैं हम लोग यदि पिछड़ा वर्ग की अन्य जातियों से जो सांसद हैं उसकी संख्या जो है वो चार है, पांच है। एक आते हैं कुर्मी जाति से नालंदा के, बनिया जाति से दो हैं डॉक्टर संजय जायसवाल और रमा देवी पश्चिमी चंपारण और शिवहर से, और गोस्वामी जाति जाति से जो है एक है कटिहार के दुलारचल गोस्वामी। तो ये हुआ पिछड़ा वर्ग से 12 सांसद। अब आते हैं देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी 37% है बिहार में, 36% 36% बिहार में है, इसकी आबादी 27% है, ये 36% है। इसकी जो सांसद हैं इन जाति से जो सांसद हैं
जो सांसद इन्हीं जाति से आते हैं वे हैं, उनकी संख्या 7 है और वे हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, सुपौल, अररिया, झंझारपुर और सीतामढ़ी। भागलपुर से अजय कुमार मंडल धानु जाति से आते हैं, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद ये मल्ला जाति से आते हैं, जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद ये चंद्रवंशी जाति से आते हैं, सुपौल से दिलेश्वर कामत ये धानु जाति से आते हैं, प्रदीप कुमार सिंह अररिया से ये गंगई जाति से ईबीसी में आते हैं, और झंझारपुर से रामप्रीत मंडल ये धानु जाति से आते हैं ईबीसी में, और सीतामढ़ी से हैं सुनील कुमार पिंटू ये तेली जाति से आते हैं ईबीसी में। तो ये हुआ आपका बीसी, बीसी से 12 सांसद और ईबीसी से 7 सांसद, टोटल 19 सांसद हैं आपको बीसी ईबीसी। आबादी इसकी है 63%। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एससी कैटेगरी के कितने सांसद हैं। तो एससी कैटेगरी का आपको पता है कि बिहार में 40 सीटें रिजर्व हैं, 40 सीटों में 6 सीटें रिजर्व हैं एससी कैटेगरी के लिए, ये 6 सीटें रिजर्व है। 6 में से आप देखिए कि 4 जो है पासवान जाति से बिलोंग करते हैं जो सांसद हैं, जैसे सासाराम से छेदी पासवान, जमुई से चिराग पासवान, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस, समस्तीपुर से प्रिंस राज, ये 4 जो है पासवान जाति से बिलोंग करते हैं। एक जिसकी आबादी जो है वह एससी कैटेगरी में सर्वाधिक है और ओवरऑल सभी जातियों में पासवान जाति की आबादी दूसरे स्थान पर है। और इसके बाद आता है रविदास, जो ओवरऑल सभी जातियों में तीसरे स्थान पर इसकी आबादी है और पासवान जाति मतलब एससी कैटेगरी में तो दूसरे स्थान पर होगा ही। और तीसरे है ये मांझी मुसहर आप जिसको कह रहे हैं जो जो जाति है, तो ये 3 जाति के इसमें सांसद हैं और 6 सांसद हैं टोटल। तो आपके सामने में हो गया 15 जनरल कैटेगरी से, 12 हो गया बीसी से, बीसी से और ईबीसी से हो गया आपको 7 और ये हो गया 6, तो टोटल जो है कुल 40 सांसद हो गए ये जनरल कैटेगरी से है। इसको हम लोग एक एक जो है समरी भी देख लेते हैं कि समरी क्या है। आपके सामने में समरी है यहां पर कि ये देखिए, ये समरी है आपके सामने कि यहां देखिए समान वर्ग की जो आबादी है बिहार में वह है 15.52% और सांसदों की संख्या है 15। यह कुल सांसदों में जो प्रतिशत है वह 37.5% सांसद का रिप्रेजेंटेशन जो है मतलब सांसद का इन्हीं जाति से आते हैं। रिप्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे आप, ये जो 37.5% सांसद इन्हीं जाति से आते हैं, इन्हीं वर्ग से आते हैं, समान वर्ग से। 30% जो सांसद हैं वे बीसी वर्ग से आते हैं और उसकी आबादी 27% है। 12 सांसद हैं होने चाहिए आबादी के हिसाब से, 11 समान वर्ग में आबादी के हिसाब से 6 सांसद होने चाहिए, हैं 15। अत्यंत पिछड़ा की जो आबादी है वह 36% है, होने चाहिए 15 सांसद, हैं अभी 7। अनुसूचित जाति जिसकी आबादी 19.65% है उसके सांसद 6 हैं, आबादी की जो पूरे सांसदों की संख्या का 15% है, होने चाहिए 8। तो ये हमारा जो है ब्रेकअप है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंटेशन किन जातियों का जो है पॉलिसी मेकिंग में, चूंकि जो एमपी होते हैं लोकसभा के वे हाईएस्ट पॉलिसी मेकर होते हैं, ये लोकसभा के हाईएस्ट पॉलिसी मेकर जो सांसद होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं और स्टेट लेवल पर जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो विधानसभा जाते हैं। तो ये आपके सामने में 40 लोकसभा सांसद जो बिहार के हैं, हमने उसको यह कोटिवार दिखाया है कि समान कोटि के 15 सांसद हैं, पिछड़ा वर्ग के 12 सांसद हैं और अत्यंत पिछड़ा के 7 सांसद हैं और एससी कैटेगरी के 6 सांसद हैं। आबादी के हिसाब से भी यदि आप ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो आबादी 37% सांसद जो है समान वर्ग के कोटि के से बिलोंग करते हैं, 30% सांसद जो है वह पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, 17% ही सांसद अत्यंत पिछड़ा से बिलोंग करते हैं जबकि इसकी आबादी 36% है। तो इस तरह से आप जो है इस आंकड़ों को देख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अन्य जो समसामयिक मुद्दे हैं सामाजिक आर्थिक सामाजिक सोशियो पॉलिटिकल जाति जनगणना से जुड़ी हुई और अन्य
रिजर्वेशन से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जो आपको लग रहा है कि इसमें हमको कंटेंट की आवश्यकता है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम उस पर जो है आंकड़ों को जुटा करके आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।